हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाता हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम है जो एक्सेस में सॉफ्टवेयर बनाने का है। कैसे बनाया है सॉफ्टवेयर, आइए दिखाता हूँ। ये एक्सेस ओपनड है, देख सकते हैं इसको। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे इसका इंटरफेस भी बदल देता हूँ मैं। यहाँ से मैं फॉर्म पर चलता हूँ, ये फॉर्म है हमारा। और यहाँ से पॉपअप को भी मैं क्या करता हूँ, यस कर देता हूँ। और इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ से ये विंडो छोटी कर देता हूँ। और यहाँ से क्या करूँगा, कलर भी चेंज कर दूँगा। तो यहाँ होम टैब पे जाके चाहे तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड बदल देता हूँ थोड़ा सा, और इन सबको सेलेक्ट करके और यहाँ पर थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ये बोल्ड हो गया है, अब ये ठीक दिखेगा। तो अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। और इस सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे कि जैसे ये नेम तो राम है, अगर मैं सेकेंड वाले नेम पर आता हूँ तो श्याम है, और ये कहाँ के हैं, यूपी के हैं। लेकिन अगर स्टेट चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे तीन स्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है। एमपी अगर कर देता हूँ और एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश ऑल दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो एमपी का जो सिटी है वही दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, फिर देखिएगा, यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, इसको बिहार कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर बिहार कर दिया है, और एक बार रिफ्रेश पे क्लिक किया है। अब देखते हैं यहाँ क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे देखिए पटना सिवान आ रहा है, देख रहे हैं। यानी जैसे ही आप चेंज कर रहे हैं स्टेट, तो सिटी भी अपने आप चेंज हो जा रही है। ये कैसे बना है, इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं लेके आता हूँ, और आज तो नहीं लेकिन कल ज़रूर अपलोड कर दूंगा, उसे फुल वीडियो होगी। मुझे लगता है कि 20-25 मिनट की वीडियो रहेगी, तो उसको आराम से देखिएगा और सारे काम हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए।